ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ आपको हमेशा अच्छे से रखें, आपका भला करें, आप हमेशा खुश रहें, बस मेरी यही दुआ है। दोस्तों, अगर अभी वर्तमान में जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन प्राप्ति के या माँ लक्ष्मी की कृपा के या हमारे घर में बरकत के उपाय। ये तीनों विषयों को लेकर आप इस वीडियो में पूरे बात करेंगे। जैसे बहुत से जातक कहते हैं हमारे पास धन नहीं टिकता है, बहुत से जातक ये कहते हैं कि पंडित जी धन तो बहुत आता है पर काम नहीं होते हैं, बहुत फिजूल खर्चे में चले जाता है, पता नहीं लगता है। तो धन संबंधी जितनी सारी परेशानियां होती हैं हमें, ओवरऑल हमारे जीवन में कर्ज बहुत हो जाता है, कर्ज कई बार लोगों पर ज़्यादा कर्ज हो जाता है, कई बार लेने वाला कर्ज ज़्यादा हो जाता है, तो देना लेना कर्ज जो दोनों है वो ज़्यादा हो जाता है। और इस सभी स्थितियों से हम कैसे बाहर आएँ और यह उपाय आप करें, इसके बहुत हद तक बहुत से जातकों को फ़ायदा मिला है और आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पर इस चर्चा को थोड़ी सी मैं आगे ले जाऊं और बात को थोड़ी सी ऊपर ले जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमेशा आपके कुंडली से रिलेटेड, ज्योतिष से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको अच्छे विषयों की अच्छे वीडियो प्राप्त करें, बस यही उद्देश्य है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहली और मुख्य बात है कि इसमें मुख्यतः किसी भी व्यक्ति के धन का आगमन और धन अगर किसी भी जातक के पास संपन्नता होती है, उसमें कुछ 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है घर की दरिद्रता। मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में ये बात कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कि सबसे पहले अपने घर में कोई भी दरिद्रता न रखें, अर्थात अनुपयोगी चीज़ों को बाहर रखें। घर में सफाई स्वच्छता को बहुत ज़्यादा आप बड़ा रखना ही है। दूसरी बात है कि एक नारियल ले, नारियल के अंदर जो जिसे हम खोपरा कहते हैं, सूखा नारियल जिसे कहते हैं, उस नारियल के अंदर उसे फोड़ लें, ऊपर से हल्का सा काट लें और उसके अंदर जो है आप शक्कर आटा दोनों डालकर किसी भी पेड़ के नीचे जाके गाड़ दें। इसको गाड़ने का जो एक बात है कि इससे चींटियों का भोजन होता है कई दिनों तक का, और जैसे जैसे चींटियाँ भोजन करेगी वैसे वैसे आपके घर में बरकत आएगी और वैसे वैसे दुआएँ मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो वो लोगों को भोजन है, तो हम इतने सक्षम नहीं है कि बहुत से लोगों को भोजन करा पाए, लेकिन जीव जंतु प्राणियों को भोजन कर सकते हैं। जैसे छत पर आप चावल डालने की आदत डाल लें, सकोरा रखें, इससे बहुत हद तक फ़ायदा है। तीसरी बात है, महामृत्युंजय का मंत्र जाप करने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत होती है। और चौथी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है माता पिता का सम्मान, महिलाओं का सम्मान और अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप। आप ये उपाय करें, इन उपायों को करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।